सही है। अच्छा, लास्ट टाइम सेशन वन से पहले जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो बेसिकली था कोरिलेशनल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वगैरह हमने स्टार्ट किए थे। उसमें हमने कोरिलेशनल स्टडी या कोरिलेशनल डिजाइन भी आप कह सकते हैं, वो जो है ना वहां तक हमने किया हुआ था। सेशनल वन के बाद जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, ठीक है। कोरिलेशन डिजाइन या कोरिलेशन स्टडीज में बेसिकली ये था दैट कैसे हम दो वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब जो पॉजिटिव कोरिलेशन या उन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन फाइंड आउट करना चाहते थे कि वेदर इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, ठीक है। कोरिलेशन स्टडीज में बेसिकली ये किया जाता था वेरिएबल्स के दरमियान। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में क्या होता है? अच्छा, एक्सपेरिमेंटल इन कंट्रास्ट टू कोरिलेशन स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन परमिट अ प्रिसाइज असेसमेंट ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दैट मे एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या हुआ दैट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या करता है, वो हमें अलाउ करता है एक्यूरेट मेजरमेंट किस चीज का, कॉज एंड इफेक्ट का, ठीक है। दैट किस वजह से जो है ना इस वेरिएबल में चेंजेस आ रही है उसकी इफेक्ट और कॉज को बेसिकली हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दैट कैसे एक वेरिएबल की वजह से दूसरा वेरिएबल इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए या उसके उसके रिलेटेड स्टडी करने के लिए जो है ना हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को यूज करते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, इसके डेफिनेशन है दैट इट इज अ रिसर्च डिजाइन इन विच द इन्वेस्टिगेटर इंट्रोड्यूस सम चेंजेस इन द पार्टिसिपेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू पार्ट्स है इस डेफिनेशन के। फर्स्ट ये है दैट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है ये रिसर्च डिजाइन का एक पार्ट है या एक टाइप है जिसमें इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, वो इंट्रोड्यूस करता है चेंजेस इन द पार्टिसिपेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब जो इन्वेस्टिगेटर होता है, रिसर्चर होता है, वो पार्टिसिपेंट के एनवायरनमेंट में चेंजेस लाने की कोशिश करता है और फिर उस चेंजेस की जो इफेक्ट आ रही होती है पार्टिसिपेंट की बिहेवियर पे उसे मेजर करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का डेफिनेशन है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, वो पार्टिसिपेंट के एनवायरनमेंट में चेंज लाने की कोशिश करता है एंड फिर उस चेंज की वजह से जो इफेक्ट आ रही होती है उस पार्टिसिपेंट के बिहेवियर पे उसे मेजर करने की कोशिश करता है। ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वेदर व्यूइंग या वॉचिंग वायलेंट टेलीविजन प्रोग्राम में कॉजेस चिल्ड्रन टू बिकम मोर एग्रेसिवली इंक्लाइंड, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट अगर आप लोग को याद हो तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे ख्याल में हमने वहाँ पे जो है ना एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में ये एग्जाम्पल पढ़ी थी कि वायलेंट मूवीज जो लड़ाई झगड़ों वाली मूवीज है उसकी वजह से जो बच्चों की एग्रेसिव बिहेवियर होता है उस पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता, ठीक है। तो डिवेलपमेंटल साइकोलॉजी में भी जो है ना ये बेसिकली जो रिसर्चर्स हैं उन्हें जो या बुक ऑथर ने जो है ना एक्सपेरिमेंट डिजाइन से जो है के साथ इसका एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो है ना एग्जांपल लिया हुआ है दैट वेदर वॉच इन वायलेंट टेलीविजन प्रोग्राम उसकी वजह से क्या हो सकता है, वेदर इट कॉजेस चिल्ड्रन टू बिकम मोर एग्रेसिवली इंक्लाइंड। इंक्लाइंड मीन क्या, वायलेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स की वजह से बच्चे एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ प्रोन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? ये एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब क्या करते हैं ये लोग, इन कंडक्टिंग अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दिस और एनी हाइपोथेसिस, ठीक है। यहाँ पे तो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है तो हम तो इसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, लेकिन इसमें जो है ना कोई भी हाइपोथेसिस आप जो है उसे अपने एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन कंडक्टिंग अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस वी वुड ब्रिंग पार्टिसिपेंट टू द लैब, ठीक है। हम इसके लिए क्या करेंगे, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम पार्टिसिपेंट्स को लैब लाएंगे, ठीक है। उन्हें फिर उन पार्टिसिपेंट को फिर हम एक्सपोज करेंगे टू डिफरेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। टू डिफरेंट ट्रीटमेंट यहाँ से मुराद ये है कि
वो वाली ट्रीटमेंट जो एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में हो, जो कि जिस तरह मैंने वहां पे ऊपर कहा है ना, पार्टिसिपेंट एनवायरनमेंट, मतलब ये जो एनवायरनमेंट होता है ना, ये एक्सपेरिमेंटर के अंडर होता है, कंट्रोल में होता है, और ये एक्सपेरिमेंटर उसमें चेंजेस कर रहा होता है, फिर बाद में वो देख रहा होता है कि इस चेंजेस की वजह से इन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे भी जो है ना, ये लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट्स को लैब लाते हैं, उन्हें एक्सपोज करते हैं टू डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, एंड फिर उनके रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड किया जाता है कि वेदर उन डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की तरफ जब एक्सपोज किए जाते हैं उन पार्टिसिपेंट को, तो उसकी वजह से कोई इफेक्ट उनमें या रिएक्शन जो उनकी होती है, वेदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसको जो है ना बेसिकली रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, जिसके टू विच वी आर एक्सपोजिंग द पार्टिसिपेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट, इसे हम बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हर वो वेरिएबल होता है या वो एस्पेक्ट आपके एनवायरनमेंट या पार्टिसिपेंट के एनवायरनमेंट का होता है, जो कि एक्सपेरिमेंटर क्या करता है, मॉडिफाई करने की कोशिश करता है या कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, किस लिए कंट्रोल या मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, इन ऑर्डर टू मेजर इट्स इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर, इसलिए कि वो उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंटर जाके उसे मेजर करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी बाकी सबको भी क्लियर है? सर, अच्छा, इसके बाद टू टेस्ट द हाइपोथेसिस वी हैव प्रपोज्ड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर ये हाइपोथेसिस हमने टेस्ट करना है, तो उसके लिए हमने अपने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट किया है, तो वो क्या होगा, वुड बी द टाइप ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम दैट आवर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व। ठीक है, तो जो हाइपोथेसिस वहां पे हमने लिखा हुआ था कि टेलीविजन प्रोग्राम्स, वायलेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स की वजह से बच्चों में एग्रेशन ज्यादा हो सकती है, ठीक है, तो वो टेलीविजन प्रोग्राम जो है बेसिकली अंडर द कंट्रोल या मॉडिफिकेशन ऑफ रिसर्चर होते हैं, वो उसे कंट्रोल या मॉडिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस हाइपोथेसिस में हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो टेलीविजन प्रोग्राम्स है। ठीक है, अच्छा, इसमें अब क्या होगा, हाफ द चिल्ड्रन इन्होंने जो पार्टिसिपेंट लिए हैं, तो जाहिर बात सर हाँ सर ये टेलीविजन प्रोग्राम डिपेंडेंट नहीं आता, ना ना क्योंकि ना वो उनके हाथ में होता है ना सर, कि वो जितना चाहे। जी रिसर्चर रिसर्चर के हाथ में होता है। लाइक सर, अब मैं रिसर्चर हूँ, तो मैं लाइक डिसाइड करूंगा ना कि मैंने आपको कौन सा प्रोग्राम दिखाना है या कौन सी मूवी आपको जो है ना लगा के देनी है, फिर उसका जो है ना मैं इफेक्ट आपके बिहेवियर पे देखूंगा। तो दैट्स बेसिकली अंडर रिसर्च कंट्रोल आता है। ठीक है, जी सर, डिपेंडेंट तो वो है कि अब ये मूवीज जो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, इसका इफेक्ट आपके बिहेवियर पे क्या होगा, तो जो इफेक्ट आपके बिहेवियर पे आ रहा है, वो जो चेंजेस इन बिहेवियर है, वो बेसिकली आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे फिर बनेगा। ठीक है, क्लियर जी है सर, अब? अच्छा, अब बेसिकली जाहिर बात है, जब इस तरह इवन वाइज जो है, इवन नंबर्स में जो ना अक्सर पार्टिसिपेंट्स को लिया जाता है, तो हाफ एक साइड पे हो जाएंगे, हाफ दूसरी साइड पे, तो इस तरह इस एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल में भी जो हाफ जो चिल्ड्रन है, दे माइट व्यू अ प्रोग्राम इन विच करेक्टर्स बिहेव इन अ वायलेंट और अग्रेसिव मैनर टुवर्ड्स अदर, वेयर एज द अदर हाफ वुड वॉच अ प्रोग्राम दैट कंटेन्स नो एविडेंस। तो ये क्या हुआ, ये प्योरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि टेलीविजन प्रोग्राम जो है वो कौन मॉडिफाई या कंट्रोल कर रहा है, रिसर्चर कर रहा है। यहाँ पे अब हाफ ऑफ द चिल्ड्रन को जो है ना क्या दिखाया जा रहा है, वायलेंट और प्रोग्राम्स जिसमें जो करेक्टर है वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जस्ट लाइक अ वायलेंट और एग्रेसिव मैनर टूवर्ड्स अदर। ठीक है, एंड हाफ जो बच्चे हैं उनको जो है ना ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं विच कंटेन्स नो वायलेंस मैनर्स टूवर्ड्स अदर। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ आते हैं। चिल्ड्रंस रिएक्शन टू द टेलीविजन शोज वुड बिकम द डेटा और डिपेंडेंट वेरिएबल इन आवर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा, अब उन शोज की वजह से जो वो आएगा
जो बच्चों का रिएक्शन होगा उन शोज की तरफ वो बेसिकली हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो डेफिनेशन है वो क्या है, दैट ये एक एस्पेक्ट है बिहेवियर का जिसमें हम क्या करते हैं, दैट इज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एंड एज्यूम टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना, जो पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर होते हैं उसका एक एस्पेक्ट है, पार्ट है, जिसे हम मेजर करते हैं ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इसके जितने वैल्यू है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंडर कंट्रोल में होती है, ठीक है। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल जितने टोटली लाइक उसकी जो वो वैल्यू मेजरमेंट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इफेक्टिवनेस या उसके इन्फ्लुएंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा जी सर, बिल्कुल। बिकॉज आवर हाइपोथेसिस सेंटर्स ऑन चिल्ड्रंस एग्रेशन, ठीक है, हमारे जो हाइपोथेसिस है उसका बेसिक थीम और फोकस क्या है, चिल्ड्रंस एग्रेशन है, ठीक है। वी वुड वांट टू मेजर How aggressively children behave after watching each type of television show, ठीक है। तो हमारे पास हमारे उस hypothesis में जो है dependent variable क्या आएगा, that कितने हद तक उन बच्चों की जो aggressive behavior है वो increase होगी, ठीक है। तो जो television program है वो basically researcher के control में होता है, वो researcher जो है जाके modify करता है, तो वो basically independent variable है और वो researcher के under आ जाता है control में। जो dependent variable है this is basically under the control of independent variable। हमारे जितने measurement of dependent variable होती है वो totally depend करती है किस चीज पे, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैसे टेलीविजन प्रोग्राम वायलेंट एंड नॉन वायलेंट प्रोग्राम्स की वजह से वेदर बच्चों की जो एग्रेसिव बिहेवियर है उस पे कोई असर आता है या नहीं आता, ठीक है। अच्छा, अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिपेंडेंट बिकॉज इट्स वैल्यू प्रिज्यूमेबली डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वही बात हुई जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हम उसे डिपेंडेंट इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो प्रिज्यूमेबली टोटली डिपेंडेंट होती है किस चीज पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, इन द प्रेजेंट केस वी आर हाइपोथेसाइजिंग, ठीक है, प्रेजेंट केस जो हमने हाइपोथेसिस लिया हुआ है इसमें जो है ना हम बेसिकली ये हाइपोथेसाइज कर रहे हैं कि जो फ्यूचर एग्रेशन है बच्चों में, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो हमने क्या हाइपोथेसिस किया है, दैट जो फ्यूचर एग्रेशन है दैट विल बी ग्रेटर फॉर चिल्ड्रन हु वॉच वायलेंट प्रोग्राम्स and then for those who watch non-violent programs, ठीक है। तो ये जो है ना basically हमारा hypothesis बना है कि जो future aggression है जो कि हमारे पास एक dependent variable है that will be greater for children who watch violent movies than for those who watch non-violent movies, ठीक है, clear है यहाँ तक? ये last समझा, ये जो last point अभी explain की है, Yes, ये वही हाइपोथेसिस है ना फैसल, दैट यहाँ पे जो है ना हमने ये हाइपोथेसाइज किया हुआ है ना दैट जो फ्यूचर एग्रेशन जो है, हमने तो ये वो पॉइंट निकाली हुई है ना कि टेलीविजन प्रोग्राम्स की वजह से जो बच्चों की एग्रेसिव बिहेवियर है वो बेसिकली देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाइपोथेसिस क्या दिए हुए है, दैट फ्यूचर एग्रेशन एग्रेसिव बिहेवियर जो बच्चों में है वो ग्रेटर होंगे उन बच्चों में जो कि वायलेंट मूवीज देखे हो देन दोस्त जिन्होंने वो मूवीज देखे हो नहीं देखे हो। हाँ, ये वही फर्स्ट स्लाइड में जो हाइपोथेसिस मैंने लिखी हुई थी उसकी जो है ना थोड़ी सी डिटेल फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बाकी सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है किसी का या नहीं? हाँ ना, एक्टिव हो जाए, क्वेश्चन लाइक कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। जी सर, नो सर, कोई नहीं। थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। अच्छा, ये रिस्पांस थोड़ा सा जल्दी दिया करें।
अच्छा, इसके बाद है दैट इफ वी आर केयरफुल एक्सपेरिमेंटर्स, ठीक है, एंड एक्सरसाइज प्रिसाइज कंट्रोल ओवर ऑल अदर फैक्टर्स दे मे अफेक्ट चिल्ड्रंस एग्रेशन, ठीक है, देन फाइंडिंग द पैटर्न ऑफ रिजल्ट्स दैट वी हैव एंटिसिपेट मीन प्रिडिक्शन, एंटिसिपेट प्रिडिक्शन को कहते हैं, एक चीज को प्रिडिक्ट करना, ठीक है, विल अलाउ अस टू ड्रॉ अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर हम अपने आप को एक केयरफुल एक्सपेरिमेंटर समझते हैं, ठीक है, या हम एक केयरफुल एक्सपेरिमेंटर्स हैं और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो हमारे हाइपोथेसिस थे, और इसमें जो है ना हम हमारी जो है ना एक प्रिसाइज कंट्रोल है हर उस फैक्टर पे जो कि चिल्ड्रन के एग्रेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो लाइकली स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन के साथ क्या आएगा, दैट वॉचिंग वायलेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स कॉजेस चिल्ड्रन टू बिहेव मोर एग्रेसिवली, ठीक है। ये ऊपर वाली बात इसलिए मैंने की कि अगर हम केयरफुल एक्सपेरिमेंटर्स हैं, ठीक है, और हमारा प्रिसाइज एक्यूरेट कंट्रोल है हर उस फैक्टर पे जो कि चिल्ड्रन की एग्रेशन को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब ये है कि हम हर उस फैक्टर को जाके कंट्रोल करें जो कि चिल्ड्रन की एग्रेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे बच्चे की एग्रेशन को उस फैक्टर से, ठीक है, तो फिर हमें पता ही नहीं लगेगा कि वेदर ये चेंज उस फैक्टर की वजह से आ रही है या वॉचिंग वॉलेंट मूवीज की वजह से आ रही है। तो इसलिए ये जरूरी है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान तो हमें एक बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, ठीक है। सेकंड ये कि हमने हर उस फैक्टर का ख्याल रखना होता है जिसकी वजह से आप जिस चीज को मेजर कर रहे हो और वो उसकी वजह से अफेक्ट हो रहा हो, तो हमने उन फैक्टर्स को सख्त कंट्रोल में रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट है कि अगर हम एक केयरफुल एक्सपेरिमेंटर है और हम जितने भी और फैक्टर्स है जिसकी वजह से एग्रेशन बच्चों में अफेक्ट हो सकता है, उन सब फैक्टर को हम अच्छे तरीके से कंट्रोल करें स्ट्रिक्टली, तो हम इस कंक्लूजन पे, इस हाइपोथेसिस के इस कंक्लूजन पे जा सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के, दैट जो वायलेंट टेलीविजन प्रोग्राम्स है इसकी वजह से बेसिकली चिल्ड्रन में जो है ना लाइक जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट जो है ये बिल्कुल सिमिलर है टू द वन प्रोपोज वाज एक्चुअली कंडक्टेड बाय लाइबर्ट एंड बैरन 1972 में, ठीक है। ये हाइपोथेसिस जो हमने जनरली डिस्कस किया हुआ है ये बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट है as conducted in 1972 by Liebert and Barron, ठीक है। अच्छा, इस Liebert and Barron ने basically क्या किया हुआ था, उनने जो है ना 5 to 9 years old के बच्चे लिए हुए थे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं ये दोनों experimenters, that half of the 5 to 9 years old in this study watch a violent 3 minutes clip from the Untouchable. Untouchable जो है the Untouchable ये मूवी का नेम है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि हाफ बच्चों को जो है ना जिनकी एज 5 to 9 years है और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस स्टडी में, उन्हें जो है ना 3 minutes की वायलेंट क्लिप दिखाई जाती है, और वो वायलेंट 3 minutes की क्लिप, 3 minutes की वायलेंट क्लिप इन्होंने मूवी से ली हुई होती है जिसका नेम है द अनटचेबल्स, ठीक है। इस मूवी में जो है ना बेसिकली टू फिस्ट फाइट्स इन्हें दिखाए जाते हैं। फिस्ट फाइट्स को जानते हैं? जी सर, जो मारते हैं। हाँ हाँ हाँ, कराटे वगैरह, ठीक है। अच्छा, टू शूटिंग्स हो गई है, एंड स्टैबिंग को जानते हैं? स्टैबिंग चाकू वगैरह से मारने, हाँ हाँ हाँ, स्वॉर्ड वगैरह, चाकू वगैरह, ये स्टैबिंग वाले एक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये 3 minutes क्लिप जो है ना अनटचेबल मूवी से, इसमें जो है ना ये सीन्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, और ये 3 minutes के लिए उन 5 to 9 years old बच्चों को दिखाया गया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हाफ ऑफ द चिल्ड्रन है, द रिमेनिंग चिल्ड्रन वॉच अ 3 minute फिल्म ऑफ अ नॉन वायलेंट बट एक्साइटिंग फ्रैगमेंट, ठीक है। अच्छा, इन्हें जो है ना अब ये जो मूवी दिखाई गई थी वो नॉन वायलेंट थी, उसका नेम जो था ट्रैक मीट, ठीक है। ये ट्रैक मीट, इट वो
क्या कहते हैं, जिस तरह ये वो उस टाइप के नहीं होते ये एवेंजर वगैरह टाइप, ठीक है। लेकिन एवेंजर में तो इस तरह है कि फाइट वगैरह थोड़ा सा ज्यादा है। मैंने अभी ये इधर खोली भी थी, ट्रैक मीट मूवी, मैं तो देखो। अच्छा, इसमें जो रनर होता है ना, वो बेसिकली परफेक्ट पेयर ऑफ शूज शूज यूज कर रहा होता है एक मिस्टीरियस वोमेन को, क्या कहते हैं, एक मिस्टीरियस मूवीज को, एक मिस्टीरियस टाइप वोमेन होती है, उसकी उसकी अट्रैक्शन के लिए करता है। कि क्या मैंने लाइक सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, खुद देखी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये इतना है कि इसमें जो है ना कोई इस तरह वो वायलेंट टाइप का कंटेंट नहीं होता, ठीक है। सो हाफ ऑफ द चिल्ड्रन जो है 5 to 9 years एज के, उन्हें जो है ना 3 minutes के वायलेंट क्लिप दिखाई जाती है अनटचेबल मूवी से। एंड जो थ्री हाफ ऑफ द चिल्ड्रन है 5 to 9 years एज, उन्हें 3 minutes की जो क्लिप है वो नॉन वायलेंट दिखाई जाती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, वो टाइप ऑफ प्रोग्राम वॉश हो गया है, ठीक है। तो वहां पे जो है ना वायलेंट मूवी थी, एंड यहाँ पे नॉन वायलेंट मूवी थी, नॉन वायलेंट प्रोग्राम या क्लिप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। देन ईच चाइल्ड वॉज टेकन इन टू अनदर रूम एंड सीटेड बिफोर अ पैनल दैट हैड वायर्स लीडिंग इन टू एन एडजॉइनिंग रूम, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, बच्चे को जो है ना एक दूसरे रूम ले चले जाते हैं एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। और वहां पे जो है ना उन्हें एक पैनल के सामने बिठाया जाता है। पैनल इस तरह होता है लाइक टेबल होता है, ठीक है। और टेबल के ऊपर जो है ना तीन चीजें होती हैं, एक ग्रीन बटन होता है, एक रेड बटन होता है, एंड उन दोनों बटन के दरमियान व्हाइट लाइट होता है, ठीक है। ग्रीन बटन जो है वो बेसिकली हेल्प लेबल करता है, रेड बटन बेसिकली टू हार्ट नुकसान पहुंचाना उसको जो है ना बेसिकली लेबल कर रहा होता है, एंड इन दोनों के दरमियान जो है ना व्हाइट लाइट होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो पैनल होता है इससे जो है ना वायर्स जो है दूसरे एडजॉइनिंग रूम में गए होते हैं, ठीक है। ये इन वायर्स के वजह से जो है ना वो दूसरा रूम इस पैनल के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर, जी सर, अच्छा, अब क्या होता है, इसके बाद ये एक्सपेरिमेंटर जो है ना ये बच्चा जो पैनल पे बैठा होता है जिन्हें वायलेंट मूवीज दिखाई गई होती है, इसे जो है ना वो दिखा रहा होता है, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, ठीक है, कि अब आगे करना क्या है। द एक्सपेरिमेंटर देन टोल्ड द चाइल्ड दैट अनदर चाइल्ड इन द एडजॉइनिंग रूम वुड सून बी प्लेइंग अ हैंडल टर्निंग गेम दैट वुड इल्यूमिनेट द वाइल्ड लाइट, ठीक है। फिर ये एक्सपेरिमेंटर क्या करता है, उस बच्चे को इंस्ट्रक्ट करता है कि उस एडजॉइनिंग रूम में एक बच्चा बेसिकली बैठा हुआ है, एंड सून ही विल स्टार्ट प्लेइंग द हैंडल टर्निंग गेम। मैंने जो है ना बेसिक गूगल पे सर्च किया काफी, लेकिन इसके रिलेटेड मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि ये हैंडल टर्निंग गेम कौन से होते हैं। आप लोग को कोई इंफॉर्मेशन है? हाँ सर, हैंडल टर्निंग, हैंडल टर्निंग, ये वो चीज तो नहीं होगी, आप लोगों ने अक्सर मूवीज में देखे होंगे, वो रेल ट्रैक पे जो है ना एक हैंडल सा बना हुआ होता है, और उसे जो है ना इस तरह पटली को चेंज करने के लिए वो वे अक्सर, पटली को चेंज करने के हाँ लिए। हाँ तो ये मेरे ख्याल में इस तरह कोई वो गेम होगा, क्योंकि हैंडल टर्निंग तो यही हुआ ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंटल उस बच्चे को ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि दूसरा बच्चा जो है वो वहाँ एडजॉइनिंग रूम में बैठा हुआ है, एंड सून ही विल स्टार्ट प्लेइंग अ हैंडल टर्निंग गेम, ठीक है। और इस बच्चे को कैसे पता लगेगा कि उस बच्चे ने हैंडल टर्निंग गेम स्टार्ट किया, क्योंकि जो दो बटन के दरमियान जो व्हाइट लाइट है दैट व्हाइट लाइट विल स्टार्ट इल्यूमिनेट, ठीक है। इल्यूमिनेट मीन वो ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, द पार्टिसिपेंट वॉज टोल्ड दैट बाय पुशिंग द बटन्स व्हेन द लाइट वॉज लिट, जब ये लाइट ऑन हो जाए, व्हाइट लाइट की बात हो रही है, तो फिर उनके साथ जो है ना चॉइस होगी, बाय पुशिंग दो टू बटन्स, ठीक है। ही और शी कुड
either help the other child by making the handle easy to turn, ठीक है? Whether अगर वो उनके साथ help करना चाहते हो, कैसे? By pressing the green button to help the other child, ठीक है? और help की वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जो handle वो adjoining room में बच्चा use कर रहा है, that handle was easy to turn, ठीक है? और अगर ये बच्चा जो है वो red button दबाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा? It hurt the child by making the handle become very hard, ठीक है? Like उसकी वजह से जो handle होता है या तो बहुत ज्यादा tough हो जाएगा और या उसकी जो temperature वगैरह हो, ठीक है? तो उसकी वजह से जो है ना उसकी जो temperature है वो काफी हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है? तो ये दो instructions basically ये first room में जब बच्चे को बिठाया गया था panel के सामने इनको दी गई थी, ठीक है? यहाँ तक clear है instructions experiment के? जी सर, सबको? जी सर, अच्छा। When it was clear that the participant understood the instructions, ठीक है? जब experimenter को ये लगता है कि जो पार्टिसिपेंट है जिसे पैनल के सामने बिठाया गया है, तो उसके बाद एक्सपेरिमेंटर क्या करता है, उस रूम से चला जाता है, ठीक है? एंड द लाइट केम ऑन 20 टाइम्स और द नेक्स्ट सेवरल मिनट्स, ठीक है? और जो लाइट थी, ठीक है, वो एलिमिनेट हुई 20 टाइम्स नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में, ठीक है? सो अब यहाँ पे क्या है, ईच पार्टिसिपेंट्स के साथ जो है ना सिर्फ 20 अपॉर्चुनिटीज है, वेदर वो उस दूसरे पार्टिसिपेंट की हेल्प करना चाहता है या उसे हर्ट करना चाहता है, ठीक है? अच्छा, the total amount of time each participant spent pushing the hurt button served as a measure of his or her aggression, the dependent variable in this study, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखे कुछ ना कुछ like final conclusion तो नहीं गए, लेकिन यहाँ पे जो results आ रहे थे participants के, ठीक है? तो majority of time जो participant थे वो क्या करते थे, they push the red button to hurt the participant in another room, ठीक है? और ये basically इनका कौन सी variable को measure कर रहा है, dependent variable को measure कर रहा है, जो कि Boylan movie देखा था सर, हाँ, जो कि हमने यहाँ पे aggression को लिया हुआ है, मतलब उस red button को मारने से जो है ना ये basically उस दूसरे को हर्ट करने से जो है ना वो प्लेजर ले रहे होते हैं, उन्हें जो है ना वो सेटिस्फेक्शन फील हो रही होती है, ठीक है? अच्छा, द रिजल्ट्स वर क्लियर डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ एन अल्टरनेटिव हेल्पिंग रिस्पॉन्स था, ठीक है? तो उसे प्रेस करने के बजाय दे मोस्टली प्रेस द रेड बटन ड्यू टू विच दे हर्ट द children heard the others to take a pleasure in this. हाँ, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है, both boys and girls were much more likely to press the hard button if they had watched the violent television program, ठीक है? मतलब ये experiments की गई थी दोनों groups पे, ठीक है? ये panel वाला, लेकिन इसमें जो violent movies जिन्होंने देखे थे तो उनमें जो है ना ये चीज काफी ज्यादा थी, ठीक है? That they likely to press the red button instead of that green button, ठीक है? Help करने के बजाय जो है उस दूसरे बच्चे को जो है ना hurt कर रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, so it appears that a mere 3 minutes exposure to television violence can cause children to behave more aggressively towards a peer, ठीक है? तो यहाँ पे conclusion इन्होंने क्या निकाली है, that जो 3 minutes का exposure था उन बच्चों का वायलेंस टेलीविजन प्रोग्राम्स की तरफ, ठीक है, इट कॉज चिल्ड्रन, ठीक है, उन दैट प्रोग्राम दैट टेलीविजन वायलेंस प्रोग्राम्स कॉज चिल्ड्रन टू बिहेव मोर एग्रेसिवली टुवर्ड्स अ पीयर, पीयर मीन एजमेट्स, इवन दो द एग्रेसिव एक्ट्स दे विटनेस ऑन टेलीविजन बोर नो रिसेम्ब्लेंस टू दोस दे कमिटेड देमसेल्फ, इवन जो एग्रेसिव एक्ट्स उनने देखे थे विटनेस किए थे उन टेलीविजन प्रोग्राम्स में, इनके अपने जो एग्रेसिव एक्ट्स थे वो उससे डिफरेंट थे, बट स्टिल दे डिस्प्लेड देयर एग्रेशन इन सम अदर फॉर्म ऑफ एक्ट्स, ठीक है? ये जरूरी नहीं है कि बस जो एग्रेसिव एक्ट्स देखे हो वही एग्रेसिव एक्ट्स जाके जो है ना वो करें,
ये वो नहीं है लाइक इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके वजह से जो है ना उनकी जो एग्रेसिव एक्ट्स है वो और भी जाके प्रोन हो जाती है, विच कैन बी डिस्प्ले इन सम अदर फॉर्म ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर और एक्ट्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो है ना कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, मतलब कंफाउंडिंग वेरिएबल की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहे हैं, व्हेन स्टूडेंट डिस्कस दिस एक्सपेरिमेंट इन क्लास सम इनवेरिएबली चेंजेस दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, जब ये एक्सपेरिमेंट क्लास में डिस्कस किया जा रहा था तो कुछ स्टूडेंट्स ने जो है ना इस रिजल्ट्स की जो इंटरप्रिटेशन है उसे जाके चैलेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है, इसमें जो है ना एक एग्जाम्पल ने जो है ना बेसिकली ये प्रोपोज किया, एक अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन जो है ना जाके प्रोपोज किया, दैट मे बी जो बच्चा जिस बच्चे ने जो है ना वॉलेंट मूवी देखी थी वो ये भी हो सकता है कि उसमें जो है ना ऑलरेडी जो है ना वो एग्रेसिव टाइप पर्सनैलिटी का हो या नेचुरली वो एग्रेसिव हो देन दोज हु सॉ द ट्रैक में। ठीक है, मतलब ये है कि जिन बच्चों को जो है ना ये एक क्वेश्चन था स्टूडेंट का, ठीक है उसका क्वेश्चन ये था कि जो वॉलेंट मूवीज ग्रुप वाले हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि दे आर ऑलरेडी एग्रेसिव इन नेचर, ये लाइक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसमें जो उनकी पर्सनैलिटी में ये चीज बेसिकली प्रेजेंट हो। ठीक है, लाइक ऐसा हुआ ही ना हो कि जो क्या कहते हैं मूवीज की वजह से जो है ना उनकी एग्रेसिव बिहेवियर जाके प्रोन हुई हो। ये उनका जो है ना एक अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स था कि ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना जी सर, बेसिकली इस चीज को जो है ना हम कंफाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, कंफाउंडिंग वेरिएबल अगर हम अपने इसके मुताबिक देखे क्या कहते हैं हाइपोथेसिस, तो अगर यहाँ पे हम कंफाउंडिंग लेवल को देखे या कंफाउंडिंग वेरिएबल को देखे तो हमारे पास जो प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो वेरिएबल इफेक्ट होता है उसे हम कंफाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं। मीन अगर हम इस हाइपोथेसिस में देखें, अगर बच्चों में ऑलरेडी वो हो एग्रेसिव एग्रेसिव एग्रेशन लाइक नेचुरली जो है ना दे आर एग्रेसिव या जेनेटिकली हो या एनवायरनमेंट में इस तरह बड़े हुए हो जिसकी वजह से उनकी जो टेम्परमेंट हो वो एग्रेसिव बनी हो। ठीक है, तो जो ये उनकी जो है ना कंफाउंडिंग वेरिएबल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना बेसिकली फिर एक्सपेरिमेंट में जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि अगर हम एक केयरफुल एक्सपेरिमेंटर है और हम हर उस फैक्टर को कंट्रोल करते हैं एक्यूरेटली जिसकी वजह से वो वेरिएबल इफेक्ट हो रहा हो तो हमारे पास रिजल्ट्स जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी की तो वो फिर एक्यूरेट आएगी। ठीक है, तो ये सर बेसिकली तो वो ये एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट नहीं था सर। ठीक था, लेकिन ये इन्होंने जो है ना सिर्फ आप लोग के समझाने के लिए ये क्वेश्चन अराइज किया है। ये स्टूडेंट वाला जो एग्जांपल मैंने क्वेश्चन आपको बताया है ना, ये जो है ना सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज डाली हुई है दैट अब इस कंफाउंडिंग वेरिएबल को बेसिकली हम सॉल्व कैसे करेंगे। इस जी सर, ये क्रिटिसिज्म है ना दैट एक्सपेरिमेंट में जो है ना ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो अब उस पॉसिबिलिटी के रिलेटेड हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे कंफाउंडिंग वेरिएबल इस एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ी है उसमें कंफाउंडिंग वेरिएबल नहीं था बल्कि हमने जो किया था वो बिल्कुल प्योर एक्सपेरिमेंटल था, उसमें जो है ना बिल्कुल सारी चीजें जो है ना वो बिल्कुल नेचुरल थी। ठीक है, तो कंफाउंडिंग वेरिएबल वो होता है जो कि ऑलरेडी उस इंसान में वो फैक्टर मौजूद होता है और उसकी वजह से जो वेरिएबल आपने स्टडी के लिए ली हो वो जाके अफेक्ट हो रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंफाउंडिंग वेरिएबल जो है अगर एक बच्चे में आप एग्रेशन को वो कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं और उस बच्चे में ऑलरेडी वो हो एग्रेसिव इन नेचर हो या जेनेटिकली एग्रेसिव हो तो दिस इज बेसिकली दैट चाइल्ड कंफाउंडिंग वेरिएबल। ठीक है, अच्छा इन अदर वर्ड्स द स्टूडेंट जिन्होंने जिन्होंने वो क्वेश्चन किया हुआ था ही वाज बेसिकली सजेस्टिंग अ कंफाउंडिंग वेरिएबल। ठीक है, अब कंफाउंडिंग वेरिएबल करता क्या है, हैड डिटरमाइंड देयर विलिंगनेस टू हर्ट अपीयर एंड दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैड हैड नो इफेक्ट एट ऑल। ठीक
ठीक है, कन्फाउंडिंग वेरिएबल जब दरमियान में आ जाता है तो उस दौरान फिर ये डिसाइड होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये वो कन्फाउंडिंग वेरिएबल था जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो इफेक्ट कर रहा होता है या उसका इन्फ्लुएंस आ रहा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या था? वेरिएबल मूवी था सर। क्या था? थ्री मिनट का मूवी जो दिखा दिया हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल का कह रहा हूँ सर, वो एग्रेसिव। हाँ, एग्रेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे कंफाउंडिंग वेरिएबल अगर होता तो फिर हम ये कंक्लूड करते कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टेलीविजन वॉल्यूम टेलीविजन प्रोग्राम्स, उसका कोई इफेक्ट नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल पे एग्रेशन पे, बल्कि ये कंफाउंडिंग वेरिएबल था जिसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे आ रहा था। ठीक है, अब क्लियर है कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या चीज है? जी सर। सबको यस सर। जी सर। अच्छा, ये नीचे डेफिनेशन, अक्सर जब ऊपर एक्सप्लेनेशन होना लाइक इस तरह भी यहाँ पे भी है। ओहो, ये तो 2 मिनट्स रह गए हैं। अच्छा, कंफाउंडिंग वेरिएबल ये डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये दूसरा लिंक मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, कंफाउंडिंग वेरिएबल इज डिफाइंड एज सम फैक्टर अदर देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफ नॉट कंट्रोल्ड बाय द एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो ये देखे कंफाउंडिंग वेरिएबल वो फैक्टर्स होते हैं अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्लूड नहीं करते। एंड इफ नॉट कंट्रोल्ड बाय द एक्सपेरिमेंटल, और इफ वो एक्सपेरिमेंटल के साइड से कंट्रोल नहीं किए गए तो क्या होगा? कुड एक्सप्लेन एनी डिफरेंसेस अक्रॉस ट्रीटमेंट कंडीशन इन पार्टिसिपेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, इसकी वजह से जो पार्टिसिपेंट की परफॉर्मेंस होती है अक्रॉस ट्रीटमेंट वो काफी हद तक इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, मीन जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो टोटली फिर जाके इन्फ्लुएंस होगा कंफाउंडिंग वेरिएबल की तरफ से। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं लाइक कुड ही हैव बीन करेक्ट, उस स्टूडेंट के बारे में ये क्वेश्चन है, क्या वो स्टूडेंट वाकई में उसने जो क्वेश्चन अराइज किया था वो ठीक था या नहीं? हाउ डू वी नो दैट द चिल्ड्रन इन द टू एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस really didn't differ in some important way that may have affected their willingness to hard appear. ठीक है, अगर ऐसा है तो हम कैसे उन, एक मिनट यार, ये less than 1 minute हो गया, मैं दूसरा लिंक जो है ना शेयर करता हूँ। ठीक है, या आप लोग इस तरह करें, एक 5 मिनट वेट करें, ये अजान हो जाए ना तो मैं जो है ना वो न्यू लिंक जो है ना फिर वो कर लेता हूँ। 5 मिनट वेट करें। ठीक है, ओके सर। ठीक है।